स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देश के बड़े कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने दिया है एक विवादित बयान। शाह ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर हिंसा पर कहा कि आज देश में गाय की जिंदगी एक पुलिस ऑफिसर की जान से ज्यादा कीमती है। जिस देश ने नसीरुद्दीन शाह को इतना प्यार दिया, इतनी शोहरत दी, वहां इस घटना को लेकर, हिंदुस्तान के माहौल को लेकर उनकी ऐसी टिप्पणी अब सवालों में है। ये फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से? ये जहर फैल चुका है, और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। तो नसीरुद्दीन शाह ने जो ये स्टेटमेंट दिया, अब उस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं एक सच बताता हूं कि मेरे अंतकरण को दर्द हुआ। नसीरुद्दीन शाह जैसे जिन्होंने जिंदगी इस हिंदुस्तान में बिताई है, एक अच्छे कलाकार है, हुनर है उनमें, वो अपना संतुलन कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। यह डर पैदा हो तो बच्चा कहे ना, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, क्यों डरते हो? और जब सोसाइटी की कई गलत चीज़ों से देखते हो, तो ठीक है, एक आध गलत चीज़ हुई होगी, इसका मतलब पूरी सोसाइटी खराब हुई? इस देश में ये भी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी प्रांत है, ऐसे भी प्रदेश है, ऐसे भी जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं। कभी वहाँ भी जरा झांक के देख लो, कितने प्यार से रहते हैं, कैसे एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, कैसे ईद में जाते हैं, कैसे गणपति में भी जाते हैं। तो ये चीज़ें करते समय आपको अपना संतुलन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से? ये जहर फैल चुका है, और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।